हेलो, वेलकम टू माय रेसिपीज। आज मैं बनाऊंगी बहुत ही चटपटी सी, बहुत ही टेस्टी सी चटनी शेयर करूंगी। तो आज मैं नमकीन जो होती है और हरा धनिया दोनों को मिक्स करके बहुत ही टेस्टी बनती है ये चटनी। ट्राई कीजिएगा आप। अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर कर देना वीडियो को। तो यहाँ पे मैंने हरा धनिया लिया एक बॉल, और 1 कप हरा धनिया लिया है, और 2 हरी मिर्च ली है, और जीरा लिया, और 8-10 कली लहसुन की ली है, और 1/2 कप मैंने भुजिया ली है। तो आप नमकीन कोई भी ले लें। तो यहाँ पे मैंने नमकीन 1/2 कप ले ली। और अब क्या करना है, अब एक मिक्सी का जार लूँगी मैं। तो सबसे पहले इसको ग्राइंड करेंगे। तो यहाँ पे मैंने एक मिक्सी का जार लूँगी, और जो हरा धनिया है उसको कट करके और मिक्सी के जार में ऐड कर देंगे, डाल देंगे। तो यहाँ पे मिक्सी का जार ले लिया, और हरा धनिया को थोड़ा सा कट कर लेंगे ताकि इजीली ग्राइंड हो जाए। तो यहाँ पे हरा धनिया को इस तरीके से मैंने कट कर लिया। ये मैंने डाल दिया हरा धनिया, और अब यहाँ पे डालूंगी मैं हरी मिर्च। तो हरी मिर्च को भी कट कर लेंगे थोड़ा सा। तो यहाँ पे मैंने दी 2 हरी मिर्च, उनको कट करके डाल दिया। और अब ऐड करेंगे लहसुन और जो जीरा लिया था मैंने, तो 1/2 चम्मच से थोड़ा सा कम जीरा लिया था, तो मैंने जीरा और लहसुन डाल दिया साथ में, और ये डाल दिया। और अब डालेंगे यहाँ पे जो नमकीन भुजिया ली थी मैंने, तो वो ऐड कर देंगे इसमें। तो यहाँ पे मैंने 1/2 कप लिया था नमकीन का, तो वो ऐड कर दिया। आप थोड़ा सा कम ले लें या तो 1/2 कप मैंने नमकीन ले ली, और यहाँ पे ब्लैक सॉल्ट ऐड कर दिया थोड़ा सा, क्योंकि नमकीन में काफ़ी नमक होता है, तो इसलिए मैंने थोड़ा सा नमक डाल दिया, काला नमक। और अब इसको ग्राइंड कर लेंगे। और ये देखिए मैंने ग्राइंड कर लिया, थोड़ी सी गाढ़ी लग रही है। तो अब यहाँ पे मैं दही ऐड करूँगी। दही से बहुत ही और भी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है चटनी, तो अगर पसंद नहीं हो तो दही स्किप कर दें। तो यहाँ पे मैंने 1 चम्मच दही का ले लिया। तो यहाँ पे 1 चम्मच दही ले लिया, और 2 चम्मच पानी डालूँगी। तो यहाँ पे थोड़ा सा पानी और डाल दूँगी, अगर पतली पसंद नहीं हो तो ना डालें पानी, बस दही डाल दें और ग्राइंड कर लें। तो यहाँ पे मैंने 2 चम्मच दही पानी डाल दिया, और अभी देखिए मैंने ग्राइंड कर ली चटनी, और बन के तैयार हो चुकी है। मैंने सर्व कर लिया एक बॉल में, और बहुत ही टेस्टी, बहुत ही डिफरेंट। इसको वैसे सैंडविच चटनी भी बोलते हैं इसको। बहुत ही यम्मी सी बन के तैयार हुई है। थोड़ी सी गार्निश कर ली लाल मिर्च और जीरे से। तो ट्राई कीजिएगा। अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर कर देना वीडियो को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।